ल भएर क्वेशन यस्तो छ गर्ने के भन्दाखेरि सुरुमा यो दुईटा फ्र्याक्सन सुरुको दुईटा फ्र्याक्सन बीच एलसीएम लिएर एड गर्ने है यसमा र यसमा एलसीएम लियो भने एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एलसीएम आउँछ है एक्स प्लस वन अनि यतापट्टि एक्स माइनस वन यस्तो भइसकेपछि अब के हुन्छ वन र एक्स माइनस वन मल्टिप्लाई हुन्छ वन र एक्स माइनस वन मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यतापट्टि एक्स माइनस वन है बिचमा प्लस छ अनि फेरि यो वान इन्टु एक्स प्लस वान यस्तो मल्टिप्लाई हुने भयो अब यहाँ के काट्न मिल्छ वान र वान काट्न मिल्छ बाँकीको के गर्ने त सेम सार दिने माइनस टु एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वान माइनस फोर एक्स अपन एक्सको पावर फोर प्लस वान यस्तो आयो अरे अब यहाँनिर एक्स प्लस एक्स टु एक्स अपन एक्स प्लस वान एक्स माइनस वान भनेको एक्स स्क्वायर माइनस वान हुन्छ माइनस टु एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वान माइनस फोर एक्स अपन एक्सको पावर फोर प्लस वान यस्तो गरिसकेपछि अब फेरि के गर्ने यसमा र यसमा यो सुरुको दुईवटा छ नि यसमा एलसीएम लिने एलसीएम लिँदाखेरि के आउँछ एक्स स्क्वायर माइनस वान र एक्स स्क्वायर प्लस वान आउँछ अब कुन कुन मल्टिप्लाई हुन्छ टु एक्ससँग एक्स स्क्वायर प्लस वान मल्टिप्लाई हुन्छ भने माइनस टु एक्ससँग एक्स स्क्वायर माइनस वान मल्टिप्लाई हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस वान पछाडिको सेम माइनस फोर एक्स अपन एक्सको पावर फोर प्लस वान अब यहाँभित्र मल्टिप्लाई गर्ने टु एक्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टु एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर भने टु एक्स क्युब हो कि होइन टु एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर भने टु एक्स क्युब प्लस टु एक्स इन्टु वान भने टु एक्स नै माइनस टु एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर भने माइनस टु एक्स क्युब माइनस टु इन्टु माइनस वान भने प्लस टु एक्स तल फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लगाउँदाखेरि एक्सको पावर फोर माइनस वान माइनस फोर अपन एक्सको पावर फोर प्लस वान यस्तो हुने भयो अब यहाँनिर टु एक्स क्युब र टु एक्स क्युब काट्न मिल्छ बुझ्यो टु एक्स क्युब र टु एक्स क्युब काट्न मिल्ने भयो टु एक्स क्युब र टु एक्स क्युब काटिसकेपछि के हुन्छ त टु एक्स प्लस टु एक्स बाँकी हुन्छ त्यो भनेको फोर एक्स अपन एक्सको पावर फोर माइनस वान माइनस फोर एक्स अपन एक्सको पावर फोर प्लस वान अब के गर्ने फेरि एलसीएम लिने लास्टमा फेरि एलसीएम लिँदाखेरि एलसीएम भनेको एक्सको पावर फोर माइनस वान ब्रैकेटभित्र अनि यतापट्टि पनि एक्सको पावर फोर प्लस वान यो आउँछ एलसीएम अब फेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फोर एक्स एक्सको पावर फोर प्लस वान माइनस फोर एक्स एक्सको पावर फोर माइनस वान हुने भयो है यस्तो गर्दाखेरि फोर एक्सले एक्सको पावर फोरलाई मल्टिप्लाई गर्छ फोर एक्स इन्टु एक्सको पावर फोर भने फोर एक्सको पावर कति हुन्छ फाइभ हो प्लस फेरि फोर एक्स इन्टु वान भनेको फोर एक्स नै माइनस फोर एक्सको पावर फाइभ माइनस माइनस प्लस फोर एक्स यहाँ र यहाँ काटिने भयो एक्सको पावर फोर माइनस वान एक्सको पावर फोर प्लस वान यहाँ फोर एक्स एड भएर एट एक्स हुन्छ एट एक्स अपन एक्सको पावर फोर माइनस वान यतापट्टि एक्सको पावर फोर प्लस वान यति गरेपछि एन्सर सिद्धियो
यहाँ र यहाँ एलसीएम लिने ए माइनस बी ए प्लस बी एलसीएम ए माइनस बी ए प्लस बी एलसीएम आउँछ अनि फर्स्ट को दुईटा फ्र्याक्सन मा एलसीएम लिएको ए माइनस बी ए प्लस बी एलसीएम आउने भयो अब कुन-कुन मल्टिप्लाई हुन्छ त यो ए प्लस बी र ए प्लस बी यतापट्टि पनि ए प्लस बी नै माइनस फेरि ए माइनस बी र ए माइनस बी पनि मल्टिप्लाई हुने भयो यता पनि ए माइनस बी यतापट्टि पनि ए माइनस बी नै प्लस 4 एबी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 ए क्यूब बी अपन ए को पावर 4 प्लस बी को पावर 4 सुरुमा यसरी लेख्ने अब यहाँ ए प्लस बी ए प्लस बी छ हो कि हैन यो भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाए भने ए स्क्वायर प्लस 2एबी प्लस बी स्क्वायर आउँछ यहाँनिर माइनस राख्न जरुरी छ अनि यतापट्टि पनि ए माइनस बी होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउँदाखेरि ए स्क्वायर माइनस 2एबी प्लस बी स्क्वायर यो आउने भयो अपन ए माइनस बी ए प्लस बी छ यसबाट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आउँछ है अब प्लस 4एबी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 ए क्यूब बी अपन ए को पावर 4 प्लस पावर 4 यस्तो आउने भयो ल अब यति आइसकेपछि के गर्ने त यहाँनिर हामीले यदि ब्रैकेट हटाउने हो भने के आउँछ माइनस ए स्क्वायर प्लस 2एबी माइनस बी स्क्वायर है त्यस्तो गर्दाखेरि यो ए स्क्वायर र यहाँको ए स्क्वायर काटिन्छ यहाँको बी स्क्वायर पनि काटिन्छ बाँकी हुन्छ 2एबी 2एबी दुईटा 2एबीहरू एड गरे भने 4एबी आउँछ है अरू काटिन्छ ए स्क्वायर र बी स्क्वायर काटिन्छ अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्ताको तस्तै प्लस 4एबी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 ए क्यूब बी अपन ए को पावर 4 प्लस बी को पावर 4 अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छ यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ है अब यो र यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि एलसीएम लिँदाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँछ एलसीएम अब कुन कुन मल्टिप्लाई हुन्छ 4एबी र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टिप्लाई हुन्छ 4एबी यतापट्टि ए स्क्वायर माइ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनि यतापट्टि फेरि प्लस 4एबी अनि यतापट्टि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 ए क्यूब बी अपन ए को पावर 4 प्लस बी को पावर 4 अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने 4एबी ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के आउँछ त 4ए क्यूब बी प्लस 4ए बी क्यूब यतापट्टि पनि त्यस्तै 4ए क्यूब बी माइनस 4ए बी क्यूब अपन यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए को पावर 4 माइनस बी को पावर 4 माइनस 8 ए क्यूब बी
अपन ए को पावर फोर प्लस बी को पावर फोर। यस्तो गर्दाखेरि कुन र कुन काटिने भयो, यो र यो काटिने भयो। फेरि यो र यो एड हुँदाखेरि एट ए क्यूब बी अपन त्यही ए को पावर फोर माइनस बी को पावर फोर माइनस एट ए क्यूब बी ए को पावर फोर प्लस बी को पावर फोर। अब फेरि के गर्ने, एलसीएम लिने, ए को पावर फोर माइनस बी को पावर फोर है, यतापट्टि चाहिँ ए को पावर फोर प्लस बी को पावर फोर। बुझ्यो, यहाँसम्म गरे बुझ्यो कि बुझेन? यहाँनिर अब एलसीएम लिने हो भने एट ए क्यूब बी यतापट्टि ए को पावर फोर प्लस बी को पावर फोरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। यहाँनिर पनि माइनस एट ए क्यूब यतापट्टि ए को पावर फोर माइनस बी को पावर फोर हुने भयो। अब यहाँनिर यसले फेरि भित्र मल्टिप्लाई गर्ने त एट, यहाँनिर हेर ए क्युब छ, यहाँनिर ए को पावर फोर भनेपछि ए को पावर सेभेन अनि यतापट्टि बी एक्लै प्लस फेरि एट ए क्युब अनि बीको पावर कति हुन्छ मल्टिप्लाई भइसकेपछि बीको पावर फाइभ माइनस फेरि ए को पावर सेभेन होइन बी एक्लै फेरि माइनस माइनस प्लस हुने भइहाल्यो एट ए क्युब बी को पावर फाइभ। तल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला होइन ए प्लस बी ए माइनस बी भयो भनेपछि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर त्यो भनेको ए को पावर एट माइनस बी को पावर एट इज इक्वल्स टु। अब कुन कुन काटिने भयो, यो र यो काटिने भयो, एट ए क्युब बी को पावर फाइभ र अर्को एउटा सेम त्यही बाँकी हुने भयो। अब यो र यो एड हुँदाखेरि एट प्लस एट सिक्सटिन, सिक्सटिन ए को क्युब बी को पावर फाइभ अपन ए को पावर एट माइनस बी को पावर एट।